नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 का पहला मैच चेन्नई वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में था। उस मैच में चेन्नई ने बाजी मार ली है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप आईपीएल को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल 2020 के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराते हुए बाजी मार ली है। चेन्नई की ओर से सबसे अधिक रन टीम के धाकड़ बल्लेबाज अंबती रायडू ने बनाए। रायडू ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 73 रन बनाए। रायडू ने 3 छक्के और 6 चौके जड़े। वही ड्यूप्लेसिस ने भी अर्धशतक जड़ते हुए 44 गेंदों में 58 रनों का योगदान दिया। मुंबई की ओर से बोल्ट, बुमराह, जेम्स पैटिनसन, क्रुणाल और राहुल चाहर सभी ने एक एक विकेट हासिल किया। इससे पहले मुंबई ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 162 रन बनाए थे। मुंबई की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 12 रन, डीकॉक ने 33 रन और सूर्य कुमार यादव ने 17 रन, सौरभ तिवारी ने 42 रन, हार्दिक पंड्या ने 14 रन, किरण पोलार्ड ने 18 रन का योगदान दिया था। वही चेन्नई की ओर से सबसे अधिक 3 विकेट लुंगी एंगिडी ने लिए। वही दीपक चाहर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 जबकि सैम करन और पीयूष चावला ने 1-1 विकेट हासिल किया। अबूधाबी में खेले गए आईपीएल 2020 के पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने अच्छी शुरुआत की थी। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर सके थे। आईपीएल 2020 के पहले विकेट के रूप में रोहित शर्मा आउट हुए। रोहित का विकेट पीयूष चावला ने लिया। रोहित महज 12 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी आईपीएल की खबरें लेकर आता रहता हूँ।